हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? अब देख रहे हैं मेरा चैनल सनी द टेक व्लॉग। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नाली बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो मेरा आने वाला न्यू वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए ताकि जो हमारी 1K सब्सक्राइबर 4K वॉच टाइम है आप बाय कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि अब 5 ऐसे चैनल है जो मोनेटाइजेशन नहीं हो गए, यूट्यूब ने अपडेट कर दिया है। कई लोग ऐसे करते हैं कि या खुद मेहनत करते जाते हैं, वो मेहनत इतना दिन रात एक कर कर अपना 1K सब्सक्राइबर और 4K वॉच टाइम पूरा कर लेते हैं, लेकिन जब वो मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं 2-3 दिन के बाद उनको जो मैसेज आता है कि यू आर नॉट सेलेक्टेड योर मोनेटाइजेशन चैनल, तो बहुत ही ज़्यादा यार दुख होता है कि इतनी मेहनत के बाद भी हमारा जो चैनल है मोनेटाइजेशन नहीं हुआ, तो बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, तो वो दोबारा चैनल नहीं ओपन करते। तो दोस्तों, वो कौन से ऐसे 5 चैनल हैं या उससे ज़्यादा भी लगा लो, तो आपने ऐसे चैनल बिल्कुल भी नहीं बनाने हैं, ऐसा वीडियो भी नहीं बनाने हैं जिसकी वजह से आपकी जो मेहनत है बेकार चली जाए। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट जाकर कि कौन से वो चैनल है जो मोनेटाइजेशन अब नहीं होंगे। वो नहीं होंगे, मेरे पास प्रूफ भी है, मेरे से उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर भी किए हुए हैं जिन्हों के ये चैनल मोनेटाइजेशन नहीं हुए, मैं आगे आपको दिखा दूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले ऐसे कॉन्टेंट मत डालिए जो कॉपी हो, यानी कि किसी की कटिंग। आप तो चलिए मैं फर्स्ट बता देता हूँ, फर्स्ट चैनल जो बनाते हैं किसी का, हम जो वीडियो लेते हैं, हम खुद का कंटेंट कुछ नहीं बनाते, ना हमारी वॉइस होती है या कुछ भी लगा लो, कुछ नहीं होता। तो होता क्या है दोस्तों, हम किसी के जो वीडियो के बीच कटिंग वगैरह कर देते हैं कि यूट्यूब को पता ना चले, किसी का जो क्लिप्स है कट कर अपनी वॉइस वगैरह चेंज करके लगा देते हैं। तो दोस्तों, यूट्यूब बहुत ही स्ट्रिक्ट हो चुका है कि आपकी वीडियो कहाँ से आती है, कहाँ से व्यू आता है, तो वो सीधा डिक्रेस कर देता है। तो आपने कोई भी कट कर वीडियो इधर उधर से इकट्ठा कर कुछ भी नहीं डाल देना है, सिर्फ अपना यार कंटेंट डालिए। अपने कंटेंट पर भले ही 1-2 व्यू आता होगा, लेकिन आगे जाकर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, 100% दिक्कत नहीं होगी कि आपका चैनल मोनेटाइजेशन ना हो। तो अगर आप इधर उधर से कुछ भी डालोगे तो आपको ठीक है, आपके व्यू आ गए, वॉच टाइम भी आ गए, लेकिन अगर आपका चैनल मोनेटाइजेशन नहीं हुआ तो दोस्तों क्या करोगे उस वीडियो का। उससे अच्छा कि आप अपनी वीडियो बनाते तो आपको अच्छा व्यू भी मिल जाता, वॉच टाइम भी मिल जाता और आपका चैनल भी मोनेटाइजेशन हो जाता। तो फर्स्ट था दोस्तों ये कि आपने किसी की कटिंग वीडियो कर नहीं लगानी है। तो दूसरा दोस्तों ये है, जो गेमिंग चैनल है वो क्या करते हैं, गेमिंग्स वगैरह के जो क्लिप्स है वो उठा लेते हैं, किसी के गेमिंग्स के क्लिप्स उठाकर डाल देते हैं, उनकी आईडी वगैरह सेम होती है, यूट्यूब को पता चल जाता है कि ये वीडियो कहाँ से उठाया और जहाँ पर अपलोड हो चुका है। तो दोस्तों, गेमिंग चैनल आप अगर आपने ग्रो करना ही है, आपका गेमिंग चैनल है, हो जाएगा, गेमिंग चैनल बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो हो जाते हैं। करना क्या दोस्तों, आपने किसी का वीडियो कट कर या किसी की वॉइस चेंज कर या किसी का स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं डाल देना है। आपने जो गेमिंग वगैरह है उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो, अच्छे से करो, अपनी वॉइस भी नार इंक्रीज करो। हाँ, पता लगना चाहिए कि ये बिल्कुल आपका ही जो मैचिंग होना चाहिए। दोस्तों, अपनी वीडियो पर वॉइस डालो, भले ही आप फेस कैम मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके वीडियो पर जो वॉइस है आप खुद का होना चाहिए और स्क्रीन रिकॉर्डर भी आपका खुद का ही होना चाहिए, तो आपका जो चैनल है जल्दी से ग्रो कर जाएगा। दोस्तों, कोई भी म्यूज़िक वगैरह मत यूज़ कीजिए। तो तीसरा जो चैनल है दोस्तों, ये म्यूज़िक वगैरह जो म्यूज़िक वगैरह बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, ट्यून म्यूज़िक वगैरह सिंगिंग वगैरह जो करते हैं वो लोग, ठीक है, करनी भी चाहिए। तो क्या करते हैं, वो किसी की ट्यून वगैरह यूज़ कर लेते हैं, उसकी वजह से उनके जो चैनल पर है व्यू भी अच्छे खासे आ जाते हैं, वॉच टाइम भी आ जाता है, लेकिन क्या होता है, कॉपीराइट क्लेम डायरेक्ट आ जाता है। तो कॉपीराइट क्लेम के जो वीडियो है मोनेटाइजेशन में जब हम टैब डालते हैं तो वो तो सीधा डायरेक्ट इनवैलिड हो जाता है दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है।
तो सिंगिंग का आप खुद का एक टोन बनाइए, टोन बनाकर अपने खुद का जो थोड़ा बड़ा आप सिंगिंग करिए, तो उससे क्या होगा, आपका टेंशन भी बना रहेगा, आपको ऑडियंस भी अच्छी जानेगी। तो आप अगर वीडियो पर किसी का म्यूज़िक वगैरह यूज़ करते हो तो कॉपीराइट तो आएगा ही आएगा दोस्तों। आप खुद का कोई टोन बना लीजिए अच्छा सा, तो उसके बाद अपना वॉइस डालिए दोस्तों, अच्छा सा एक म्यूज़िक डालिए, तो आपका जो चैनल है जल्दी से ग्रो कर जाएगा दोस्तों, आगे जाकर कोई भी दिक्कत नहीं आती। मैंने खुद ऐसे चैनल देखे हुए हैं कि बहुत अच्छे सब्सक्राइबर है, बहुत अच्छा वॉच टाइम है, लेकिन यार वो करते क्या है कि वॉच टाइम वो तो किसी का ही होता है, सब्सक्राइबर भी किसी के होता है, उनका खुद का कॉन्टेंट तो कुछ होता ही नहीं है। मेरा कॉन्टेंट है, मैं खुद बनाता हूँ, कोई मुझे कहते हैं यार आप म्यूज़िक वगैरह बैकग्राउंड में लगाओ, ये लगाओ, नहीं, मैं खुद का ही अपना बनाता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं आती दोस्तों। अपना खुद का कॉन्टेंट बनाना सीखिए बस, और किसी की मत सुनिए। तो फाइव दोस्तों, जो लास्ट चैनल है वो चैनल है कि आप चैनल स्टार्ट करते हो, फेस कैम नहीं करते हो, इधर उधर का डाली जाते हो दोस्तों, ऐसे चैनल भी बहुत कम मोनेटाइजेशन होते हैं। आप खुद का एक खुद की इमेज बनाइए, उससे क्या होगा, आपका जो चैनल है भले ही वो लेट ग्रो हो, लेकिन फेस कैम वाला जो वीडियो है वो जल्दी से जल्दी मोनेटाइजेशन होता है, कोई दिक्कत नहीं आती। उसका क्या होगा, अगर आपका फ्यूचर में चैनल वगैरह डिलीट भी हो जाता है तो आपका फेस कैम बना रहेगा, आप दूसरा चैनल खोलेंगे तो आपको दुनिया जानेगी, हाँ यार जी पहले बंदा वीडियो बनाता था। अगर आपका बैकग्राउंड में सिर्फ चल रहा है तो आपको तो कोई जानेगा ही नहीं, आपकी फेस वैल्यू ही नहीं बनेगी। तो दोस्तों ऐसा मत कीजिए, आप अपना फेस कैम बनाइए, वीडियो अच्छा लगेगा आपको भी, आपको ऑडियंस भी जानेगी, आपको आपकी खुद की एक इमेज बनेगी दोस्तों। भले ही आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा, मेरा भी खुद का फेस कैम वीडियो है, भले ही टाइम लगता है यार कोई दिक्कत नहीं, हर एक चीज़ टाइम लेती है, किसी ना किसी को ज़्यादा टाइम लग जाता है, किसी को कम लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ग्रो करो तो अच्छी तरह से करो, वरना स्टार्ट ही ना करो। तो दोस्तों थैंक यू सो मच दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपके जो चैनल है आधे अधूरे रह चुके हैं, वो जल्दी से ग्रो हो, आपके चैनल भी मोनेटाइजेशन जल्दी हो। थैंक यू सो मच दोस्तों।